नमस्कार, मैं गौरी आपके साथ, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। प्रचंड गर्मी में दिन रात बिजली घर में काम करने वाले 8 अवर अभियंताओं यानी कि जेई के वेतन को रोक दिया गया है और इससे नाराज अवर अभियंता आज अपने डिवीजन पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए हैं। राजधानी लखनऊ में इस वक्त बढ़ते तापमान की वजह से बिजली का संकट बढ़ा हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ नाराज चल रहे हैं। ऐसे में दिन रात बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से चले, जिसके लिए अभियंता दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं अभियंताओं का मई महीने का वेतन रोक दिया गया, जिससे नाराज बीकेटी डिवीजन के 8 अभियंता आज अधिशासी अभियंता के कार्यालय में शांतिपूर्वक धरने पर बैठ गए। अवर अभियंताओं का आरोप है कि वृक्षारोपण का जियो टैगिंग अपलोड करना था, सर्वर ना होने की वजह से लगाए गए वृक्षारोपण की संख्या का लेखा जोखा अपलोड नहीं हो पाया और इसकी वजह से उनका वेतन रोक दिया गया। मौजूद है और यहाँ पर अभियंता मौजूद है, जिनको जनता बड़ी महा का भेटिंग करने को नाराज है, काफी अभियंता निकल रही है, क्योंकि यहाँ पर इंतजार जो रहा है अधिकतर अभियंता के आने का, भी जानते हैं कि जी साहब है, उनसे पूछते क्या मैटर है, क्या मामला, किस वजह से आप लोगों को मई माह का वेतन नहीं मिला। धन्यवाद। ये एक 2023 में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें कुछ पेड़ लगाए गए थे और उनकी जियो टैगिंग करनी, फिर पेड़ लगने का प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया था। इधर जानकारी में आया, हम लोगों को कोई जानकारी भी नहीं दी गई कि ये कार्य करना है, फिर एक व्हाट्सएप के माध्यम से ये लोग डाले कि जियो टैगिंग कराना है। हम लोगों ने, सभी ने अपना पूरा प्रयास किया जियो टैगिंग करने का, लेकिन सर्वर ना चलने की वजह से वो जियो टैगिंग का कार्य नहीं हो पाया। जियो टैगिंग ना हो पाने की स्थिति से एक हमारे खंड कार्यालय स्तर पे सभी कर्मचारियों का एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में हर स्थिति से रूबरू करवाया जाता रहा, उस पे स्क्रीन शॉट डाले गए कि ये साइट आपकी वर्किंग नहीं है। ये सब देखने के बावजूद भी, जब साइट वर्किंग नहीं होगी तो हम जियो टैगिंग कहाँ से कर पाएंगे, ये देखने के बावजूद भी हम लोगों का मई महीने का वेतन रोक दिया गया। और अब चूंकि इस भीषण गर्मी में हम लोग सप्लाई व्यवस्था में दिन रात लगे रहते हैं, अपनी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, जब सर्वर चला तो भी काम हालांकि कंप्लीट कर दिया गया और इससे भी अवगत करा दिया गया खंड स्तर के उच्च अधिकारियों को, उसी खंड के ग्रुप पे डालकर। ये मेन समस्या है कि एक वेतन रोकने जैसी एक बड़ी प्रक्रिया एक कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या अगर वेतन नहीं मिलता तो क्या कार्य करेंगे? अब ये फिर हम लोग आपसी सहमति करके, जितने लोग जिनका वेतन नहीं मिला है, जो भी तय होगा भैया, उस हिसाब से काम किया जाएगा। ये 2023 में वृक्षारोपण कार्यक्रम का भारत सरकार की योजना थी, महत्वपूर्ण योजना थी, इसमें जियो टैगिंग की जानी थी, जो पेड़ लगाए जा रहे थे उसमें जियो टैगिंग की गई थी, कुछ टैगिंग नहीं हो पाई। फिर अधीक्षक अभियंता महोदय, एक आदेश जारी किया गया कि इतने दिनों के अंदर अगर टैगिंग नहीं हो पाती है तो जिन जगहों के सब स्टेशन वाइज जो उनका वेतन रोक दिया जाए। सबसे बड़ी बात तो है कि उस समय जो है, जब वो पेड़ लगाया जा रहा था, तो उस सब स्टेशन पे जेई कौन था और वर्तमान में जो जेई गया वो करेगा क्या, क्योंकि उसमें जब हम लोग टैग कर रहे थे तो वो आईडी पासवर्ड ले नहीं रहा था, डिसमिस कर दे रहा था, उसको बार बार व्हाट्सएप पे भेजा गया, डिवीजन ग्रुप में भेजा गया, लेकिन अधिशासी अभियंता महोदय के पास कोई समय नहीं था कि उसको देख सकें। फिर इसके बाद जो है, हम लोगों ने मतलब आगे भी अवगत कराया और सारे जेईयों ने एक साथ किया, कल वो टैगिंग हो गया, तो जब कल टैगिंग हो गया तो वेतन जारी कर देना चाहिए था, व्हाट्सएप देखा जाता है, हम लोग व्हाट्सएप देखना अगर बंद कर दें तो सारा काम रुक जाएगा। पेट्रोल नहीं दिया जाता है, 2 साल से हमारी यहाँ पोस्टिंग है, अगर कुछ कमियां है तो उसको बुला के दूर करवाइए, हम फील्ड में काम करेंगे। हमारे यहाँ कुमरामा में पोस्टिंग है, एक डम भी हमें तेल नहीं मिला है, लग नहीं है, ब्रीदर नहीं है, सिल्का जेल नहीं है, बैटरी चार्जर जल गया, हम अपने पैसे से बनवाए, इसके बाद लिखा जाता है कि इसका कास्ट कितनी आएगी, इतना, तब तक क्या बिजली घर बंद रखा जाएगा या अपनी जेब से हम बिजली घर चलाएंगे? क्या मामला था, किस लिए आप लोग यहाँ पर अपने डिवीजन पर आए? सबसे पहले मैं भारत न्यूज चैनल को, सभी अवर अभियंताओं, बीकेटी डिवीजन के अवर अभियंताओं की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमारी समस्या को सुनने के लिए तत्पर हैं। हम लोग बीकेटी डिवीजन के अंतर्गत कुल 8 अवर अभियंता, जिनकी मई माह का वेतन रोक ली गई है, जिससे हम लोग प्रताड़ित हैं और रोकने की वजह साफ नहीं आ रही है। हमारे अधिशासी अभी महोदय द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराया कि इनके द्वारा जियो टैगिंग नहीं किया गया, मैं मानता हूं, और सर्वर नहीं चल रहा था जिसकी वजह से नहीं हुई। लेकिन मुझे कहना है कि अगर अधीक्षक अभियंता महोदय के द्वारा आपको ओएम जारी किया गया, तो आपने क्या ओएम जारी उपखंड स्तर और अवर अभियंता स्तर पर किया गया आपके द्वारा?
ये भी प्रमाण दिया जाए कि अगर किया गया हो तो, और नहीं किया गया हो तो भरवली क्या चीज होती है और व्हाट्सएप क्या चीज होती है। व्हाट्सएप पे तो हमारा समुच्चय उपभोक्ता जुड़ा हुआ होता है, सबका सुनना पड़ता है, देख भी पाता हूँ नहीं देख पाता हूँ अधिक संख्या होने के कारण। तो ये कोई विभागीय कार्य प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है कि व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप खेले गए। वही मामला बढ़ता देख बीकेटी डिवीजन के अधिशासी अभियंता डीपी सिंह ने सर्किल अफसरे की राय को दी। आनन फानन में अवर अभियंताओं के धरने की खबर आलाकमान तक पहुंचने लगी और इस बात महज कुछ घंटों में सर्किल 10 के अधीक्षण अभियंता पहुंचे, जहां उन्होंने सभी अभियंताओं की समस्या सुनी और सभी की सैलरी रिलीज करने के निर्देश दिए। हरिश्मा ऐप पे जियो टैगिंग करना था, जो वृक्षारोपण किए गए थे जिसपे कई बार हम लोगों ने निर्देशित किया था, इसके बावजूद भी ये नहीं हो पाया, इसलिए इन लोगों की तनख्वाह रोकी गई और इस समय सभी लोगों ने उस पे ऐप पे जो है जियो टैगिंग कर दी है और सबके तनख्वाह रिलीज करने के आदेश कर दिए गए। इन लोगों ने जो भी पेट्रोल का अपना दिया हुआ है पेपर, उसको जो है मैंने बोला है कि करा करके एक्शन साहब से, और इनको जो है एक हफ्ते के अंदर सबका रिलीज कर दिया जाए। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता रितेश की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही, देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।